हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज मतलब सेंटर पे। आज मेरा एग्ज़ाम है और आज तो पूजा भी था, और पूजा करके एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत सवेरे उठना पड़ता है। तो डीपी में दिया गया है हम लोग का एग्ज़ाम, तो आई होप कि अच्छे एग्जाम जाए। और टाइम से मतलब हम निकल गए हैं घर से, वैसे आप देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी पहुंच जाने का, और आप माता रानी का आशीर्वाद हो तो हम एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देंगे। तो चलते हैं। ऐसे तो हम रोड पे खड़े हैं, देख सकते हैं ये सब, इधर पंडाल लगा है माता दुर्गा का, देख सकते हैं आप, तो पंडाल लगा हुआ है। तो अभी आप हम लोग जाते हैं, फिर मिलते हैं कॉलेज में आपसे हम। और पूजा हम कर लिए हैं, चंदन नहीं किए हैं, तो थोड़ी सी वीडियो क्लिप मैं ऐड कर दूंगी आप लोग को, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम कॉलेज में आपसे। ये थोड़ा सा वीडियो क्लिप है जो मैंने माँ को पूजा की है, और आप देख सकते हैं इसमें प्रसाद नहीं है। तो मैं अभी पूजा करके प्रसाद माँ के चरण से उतार ली हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। वो भी आएगा, खेल आदमी के खिला कर देख रहे हैं ना। जूम करने पे बंदर ही नहीं दिखता है, कहाँ है? अभी छलांग ही लगा है। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, उस दिन मेरे कपड़े में लटक गए। यही थी वीडियो बनाने वाली। हाय फ्रेंड, जय माता दी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलते बोलते जय माता दी क्यों बोली। तो आज बता रहे कि आप देख सकते हैं मैं पूरी उजरी चमन बनी हुई, मेरा बाल बिखरा पड़ा है। तो बात ऐसा था कि आप तो पहले वीडियो में देखे होंगे कि मैं आपको मतलब कॉलेज जा रही थी एग्ज़ाम देने, और बोली थी वीडियो बनाऊंगी कॉलेज जाने के बाद। रास्ते का वीडियो आप देखे होंगे, और छोटी सी क्लिप बंदर का भी आप देखे होंगे। वैसे मैंने जूम करके जूम किया था बहुत। वैसे आप देखोगे पेड़ पे बंदर ना बहुत, कॉलेज में बहुत छलांग लगा रहे थे, नहा रहे थे। तो बात ऐसी हो गई थी कि हम वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि बंदर ना उस दिन बहुत बदमाशी कर रहे थे, और कॉलेज में एनसीसी के बच्चे थे, और बच्चे के बाद एनसीसी के बच्चे ना प्रैक्टिस कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो उस टाइम मुझे ये सही नहीं लगा वीडियो बनाना कि कॉलेज में उतने स्टूडेंट थे, और सबसे ज़्यादा बंदर वीडियो बनाते ना तो मोबाइल छीन लेता था, या किसी का पर्स देखता था वो भी छीन लेता था। जैसे बहुत बंदर की तो हरकतें पता ही है, जो कुछ भी देख ले तो फिर उसके तो हाथ लगनी चाहिए। तो फिर हुआ क्या कि मैं क्या कहते हैं, जैसे ही वीडियो ऑन की थी नेक्स्ट बार, थोड़ी सी क्लिप ऐड तो देखे होंगे, उसके बाद मैं ऑन की थी, तो मैं जो फ्रॉक पहन के गई थी पूरे फ्रॉक में आके लटक गए, क्योंकि फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी इसकी वजह से। तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, घर आ गई। तो आज की बात मैं बताती हूँ आप सबको। तो मुझे लगा कि मेरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं चलता है। मैं पहले ही एक्टिव रहती हूँ, और आप लोग को पता ही है कि बार बार मैं कहती हूँ कि लेट हो गया, लेट हो गया। तो ऐसा नहीं, मतलब टाइम से पहुँच जाती हूँ, मतलब मन में ऐसा रहता है कि लेट हो गए या हो जाएंगे, पता नहीं। तो लेट नहीं होती है, मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ, या टाइम से थोड़े पहले या टाइम पे पहुंच जाती हूँ, तीनों रहता है मेरे साथ। तो आज क्या हुआ कि मुझे ना ऐसा लगा कि मतलब मेरा एग्ज़ाम आज नहीं है, बकाई आज मेरा एग्ज़ाम था। था क्या? मुझे मेरी फ्रेंड 9 बजे मुझे कॉल की कि आ रही हो क्या? तो मैं उसे बोली कि अरे आ रही हो का क्या मतलब होता है, कि मतलब हम तो सोचे कि आज एग्ज़ाम नहीं है। तो फिर वो बोली कि नहीं, हम गाड़ी में हैं और तुम भी आ जाओ। तो हम बोले नहीं, 28 को एग्ज़ाम है। तो बोले कि इसे क्या कहता है, नहीं आज भी एग्ज़ाम है, तुम देखो। तब हम सोचे कि ठीक है, देखते हैं फिर एग्ज़ाम होगा। तो जल्दी जल्दी सब काम मतलब तैयार होके और गए,
और फिर देखिए ब्लैक वाला कपड़ा पहन के गए। तो खैर पूजा में तो ये सब नहीं पहनेंगे ना ब्लैक वाला कपड़ा। तो अभी आए हैं और फिर मैं आप लोग से ये बात शेयर कर रही हूँ, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था जो हम पहुँच गए कॉलेज। तो देख सकते हैं ब्रश लेके बैठी हूँ, ब्रश करूँगी, फिर नहाएंगे और नहाने के बाद फिर माँ की पूजा करेंगे और फिर अगर होगा तो वीडियो डालेंगे। फिर चलते हैं, फिर अब नहा के मिलते हैं, बहुत हो गई बातें, मिलते हैं फिर नहा सुना के। हाय, मैं नहा ली हूँ और अब नहाने के बाद चलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तो लेना होगा ना। आज बहुत बड़ी गलती से हम बच गए हैं, तो चलते ही पूजा करके मिलते हैं आपसे। हो गई मेरी पूजा और आप देख सकते चंदन थोड़ी दिख रही है यहाँ पे। तो आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता नहीं चला था, तो उसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मैं टाइम पे पहुँच गई और एग्ज़ाम भी दे दी। तो थैंक यू माता रानी। और क्या बोल सकते हैं, जय माता दी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रेम से बोलिए आप लोग फिर से एक बार, जय माता दी।